होली पर्व और बारह फपात त्योहार के मद्देनजर थाना नौगांव अंतर्गत शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि बैठक में होली के हुड़दंग को लेकर शांति समिति के सदस्यों के साथ नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैठक में अहम निर्णय लिए गए। त्योहार के दौरान और बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर तथा शादी समारोह के लिए लाउड स्पीकर और डीजे की अनुमति अनिवार्य कर दी गई। इसके अलावा सुझाव दिए गए कि शराबखोरी से बचें, शराब पीकर वाहन न चलाएं और बाइक पर दो से अधिक न बैठें। इस दौरान प्रशासन और स्वास्थ्य सुविधाएं भी चाक चौबंद रहेंगी तथा नगर के मुख्य चौराहों पर पुलिस बल तैनात रहेगा और पुलिस वाहन नगर में लगातार पेट्रोलिंग भी करेगा। शांति समिति की बैठक थाना पसंद नौगांव में ली गई। इसमें हमारे थाना प्रभारी, तहसीलदार और हमारे यहाँ के पत्रकारगण, नागरिक सभी लोग उपस्थित थे। सभी की उपस्थिति में सभी की सलाह ली गई, सभी से पूछा भी गया। ये अपना होली का कोई 6 तारीख कह रहा है, कोई 7 तारीख का कह रहा है। 6 और 7 तारीख को उनका दहन और 9 तारीख को भाई दूज का प्रोग्राम बताया है हमने। इसके साथ भी अन्य समाज के भी प्रोग्राम है। जो जो निर्णय लिए गए उसमें तो उसका पूरी व्यवस्था है, नगर पालिका द्वारा भी और डीएमओ के द्वारा भी, एमपीपी के द्वारा भी, पुलिस के द्वारा सब व्यवस्थाएं की जाएंगी। त्यौहार के दिन शांति स्थापित करने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी? पूरा पुलिस व्यवस्था हमारे साथ चौबंद रहेगी और सभी पॉइंट पर पुलिस बल रहेगा और राउंड भी लेती रहेगी।